सब्सक्राइब करें तकनीकी रोशन चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे दबा दें ताकि मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। साइड बाय साइड स्क्रीन कंपैरिजन बिटवीन आईफोन 11 एलसीडी डिस्प्ले एंड आईफोन 12 प्रो ओएलईडी डिस्प्ले फॉर बेटर रिजल्ट। दोस्तों आपके फ़ोन में जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन यूट्यूब पे चलता है आप उसमें ये वीडियो को देखें ताकि आपको बहुत अच्छे से दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाए। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही कोई मेजर डिफरेंस तो है नहीं। आईफोन 11 जो है वो एक एलसीडी डिस्प्ले है जिसे आईफोन यानी कि एप्पल लिक्विड रेटिना एचडी डिस्प्ले कहता है और वहीं साथ में हमें जो आईफोन 12 प्रो या 12 जो है उसमें ओलेड डिस्प्ले मिलता है यानी कि वो एक एमोलेड डिस्प्ले होता है जिसे आईफोन यानी एप्पल सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी डिस्प्ले कहता है। तो दोनों के जो बीच में डिफरेंस है दोनों वीडियो एक साथ में चला के आपको दिखा रहा हूँ। दोनों के बीच में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 19-20 का फ़र्क आपको नज़र आएगा। दोस्तों आईफोन का जो 11th है फ़ोन है उसमें जो एलसीडी स्क्रीन है वो कोई आम स्क्रीन जैसे अन्य एंड्रॉयड के जो एलसीडी स्क्रीन होते हैं उसका इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। ये जो है ऑलमोस्ट एक ओएलईडी डिस्प्ले के बराबर है। हालांकि ये है एक एलसीडी डिस्प्ले लेकिन इसकी ब्राइटनेस और इसका जो कलर प्रोडक्शन है बहुत ही अच्छा है। इसका कहीं से भी कोई भी जो आपका नॉर्मल एलसीडी एंड्रॉयड फ़ोन्स में होते हैं उसके साथ आप इसे कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बाकी का दोस्तों आप खुद ही देखिए और दोनों को देख के खुद ही फैसला कर सकते हैं कि कौन सा जो स्क्रीन है वो ज़्यादा बेटर है, किसका जो ब्राइटनेस है और कलर प्रोडक्शन है ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में जो डिजिटल मंदिर की घंटी उसे दबाएँ और इसी तरीके की अन्य टेक्निकल आशीर्वाद पाएँ और मेरे इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें और दोस्तों शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं। और दोस्तों नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आपको कौन सा जो क्वालिटी स्क्रीन का वो अच्छा लगा और क्या आईफोन 11 और 12 के बीच में जो कंपैरिजन किया मैंने स्क्रीन क्वालिटी का आपको कोई भी डिफरेंस पता चला या नहीं।